कितना सुंदर सा वेदर हो रहा है, बादल काफी अच्छे हो रहे हैं और यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है, मतलब काफ़ी टाइम के बाद इतनी ग्रीनरी देखने को मिली, या तो फिर पहाड़ों में मिलती है और प्लेन में, तो यहाँ पर ग्रीनरी इतनी ज़्यादा ना, मन खुश हो गया यहाँ पर आकर। और ये रिजॉर्ट है भी बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब इतना सुंदर लग रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। हम यहाँ पे ओरछा आए हुए हैं, आप देख ही पा रहे इतनी ब्यूटीफुल ग्रीनरी में, और हम लोग यहाँ पे बेटवा रिसोर्ट पे रुके हुए हैं और अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं कहीं बाहर, लाइट एंड साउंड शो देखेंगे यहाँ। हम चार ही लोग आए हुए हैं, पल्लवी, हम, पापा जी पल्लवी के और पल्लवी के पति देव, यानी कि जो कि ऊंचा से गिरा रहा है। एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी दो दिन पल्लवी की छुट्टी थी तो पल्लवी ने कहा कि चलो हम लोग ओरछा चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं ओरछा चारों लोग। और ये देखो बेटू आ रहे हैं, और ये अभी बस हम लोग आए हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने टेंट हाउस दिया है जो कि काफ़ी मज़ेदार लगा था। और टेंट हाउस में तो रह गए, लेकिन रात में इतनी बारिश हुई है ना, आपको टेंट हाउस का भी दिखाएंगे। तो यहाँ हम लोगों ने लिए हैं दो रूम, हम लोगों के रूम आसी पास थे, तो ये देखिए अपू के पापा हैं, मेरे पति देव, और ये दोनों की अटैचियाँ भी रखी है, सिर्फ एक दिन के लिए आए तो इसी तरह से लाए हैं। पल्लवी थोड़ा सा अभी न्यूली मैरिड है तो काफ़ी कुछ सामान लाई है। ये है एक रूम और ये है दूसरा रूम, है ना। तो बेटा देखने गया है दोनों ही रूम में, एक ये रूम है, ये जा रहा है देखो देखने, और बड़ा वाला देखो पल्लवी दूसरा देखने गई है। और वैसे दोनों तो एक ही से हैं, तो ये पल्लवी की अटैची गई और पल्लवी अपूर की, और ये हम लोग ले लेंगे। रूम तो अंदर से काफ़ी अच्छा है, आप देखिएगा, कभी और चाहिए तो ऐसे ज़रूर रहिए, लेकिन जब रात में बारिश हुई है बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो अब हम लोग जो है उस रूम में जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही कहीं घूमने जाएंगे। रूम, टेंट का रूम, पानी वानी तो नहीं टपकता इसमें। फैन भी लगा है, टीवी भी लगा है, और ये विंडो एसी भी लगा है इसी टेंट में। रूम के अंदर ड्रेसिंग रूम भी है और एक अलमीरा भी है, और ये है वॉशरूम भी इनका, और टेंट जो है छत जो है पूरी टेंट की ही बनी हुई है इनकी, और टेंट में ही ये है इनका वॉशरूम, टेंट में ही ये बाथरूम है इनका, अलमीरा भी है। अच्छा फ्रिज भी है उधर भी है, ये फ्रिज भी है छोटा। चाय का भी है, इडली भी है, अब चाय बनाना चाहो, ये सब दिया है इन्होंने पाउच, चाय बना दे। पानी का पानी तो लाए हैं ना, पैसे ले लो है? अपने में लाए हैं ना, गर्म पानी गर्म हो जाएगा ना, केटली है ना, इलेक्ट्रिक केटली है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फ्रेश होएंगे, मतलब मुँह हाथ धोएंगे और फिर कपड़े चेंज करेंगे, फिर जाएंगे। थोड़ा सा थकान सी हो गई है तो मैं थोड़ा सा लेटी हूँ, उधर पल्लवी भी तैयार होने गई है कि थोड़ा सा लेट कर, चाबी पीछे वाली पॉकेट में डालना। और ये अब हम लोग तैयार हो गए, अब हम लोग जो है घूमने जा रहे हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पर, ओरछा में राम मंदिर है, और उसके बाद जो है किले वगैरह है, तो हम लोग सब जाएंगे। तो बस अब हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए, यहाँ पर घूमेंगे। झूले भी लगे हैं, झूल लेते हैं। अरे
देखो पल्लवी, देखो पल्लवी ने झूला देख लिया, वो झूले में जरूर बैठेगी क्योंकि उसको झूला झूलने का बहुत बहुत ज्यादा शौक है। इतना खुश हो गई झूला देख करके, गई बैठ गई। अब मेरी फोटो खींचे, कह रही है कि फोटो खींचो, हम थोड़ी देर बैठेंगे। तो फिर तुम्हें भी झूलना है, जाओ जाओ जाओ। कहाँ? अच्छा हाँ, फूल बाग। यहाँ हम लोग बाग आ गए हैं और यहाँ पर जो है मंदिर है, यहाँ पर मंदिर में हम लोग पूजा करेंगे। काफी मतलब भीड़ भाड़ थी यहाँ पर। अब हम लोग किला देखने गए हैं, तो आज बस पूरे दिन इसी तरह से घूमना है। और भाई घूमने गए हैं तो घूमेंगे, तो यहाँ हम लोग किले में जाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा किला था, बहुत सारी फ़ोटोवाँ ली गई। और यहाँ जो है मतलब ये देखिए सीढ़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। किला अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ये कितना सुंदर है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है लाइट शो होता है और टाइमिंग चेंज है, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी का कुछ हिसाब है। अब हम लोग अंदर चलेंगे। लाइट शो रात में होता है, यानी कि इवनिंग में 7:30 से, ऐसे ही है 7:30 से। तो वो तो शायद ही अब लौट के आ पाएँ क्योंकि राम मंदिर है, वहाँ पर भी जाना है। तो ये किले का अंदर का रास्ता है, यहाँ पर टिकट भी लगता है, शायद 20 रुपए का टिकट है, हाँ 20 रुपए का है। यहाँ पर अपूर पल्लवी ने खूब फोटोआँ खिंचाई हैं और ये लोग ऊपर तक गए थे, मैं ऊपर तक काफ़ी ऊपर तक नहीं गई देखने, फिर यहाँ पर मैं बैठ गई और ये लोग ऊपर तक घूम करके आए। इसके बाद अब हम चलेंगे राम मंदिर। राम मंदिर जो यहाँ का बहुत ही प्राचीन, बहुत ही जो है मतलब ओरछा का फेमस मंदिर है, तो ये है राम मंदिर। और यहाँ पर फ़ोटो लेना मना है, तो बस मैं यहाँ बाहर से ही ले रही हूँ। और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ा राम मंदिर है यहाँ का, ये मेन गेट है और इसके अंदर से आप अंदर जाओगे। यहाँ पर जो है दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए। और गाइस मुझको ज़्यादा ब्लॉगिंग करनी नहीं आती, तो मुझको आइडिया भी नहीं है, हो सकता है कुछ गड़बड़ सड़बड़ आपको लगे। इसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर अब हम लोग चले रात में डिनर के लिए। तो हम चारों ने जो है सोचा अच्छे से डिनर कर लें क्योंकि पूरा दिन के भूखे थे। तो अब हम लोग आए हैं, ये अमर महल है जो है होटल, तो यहाँ पर आए। यहाँ पर जो है लाइव जो है म्यूज़िक भी चल रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। और जो बच्चा गा रहा था वो बहुत ही मीठा गा रहा था। तो ये अंदर का व्यू है इनका जो है होटल का, रेस्टोरेंट का। और यहाँ पर हम लोग एंट्री करें और फिर उसके बाद अंदर आए। और अंदर ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन जो है होटल बहुत ही ज़्यादा इनका अच्छा है, बस थोड़े से लोग हैं। और हम लोग थोड़ा जल्दी भी चले गए थे ना, तो अभी शायद फिर भीड़ हो। तो ये पापा बैठे हैं, ये अपूर बैठे हैं, मतलब पतिदेव बैठे हैं, अपूर बैठे हैं, और ये पल्लवी शीशा देख रही है कि ठीक ठाक है। उसके बाद पल्लवी बैठ गई और अपूर जो है मीनू चेक कर रहे हैं कि क्या क्या ऑर्डर करना है। तो हमने कहा भैया वही ऑर्डर कर लो, पनीर और मलाई कोफ्ता, और देखो क्या क्या ये लोग ऑर्डर करेंगे। तो बस यहाँ पर हम भी बैठ गए ऑर्डर, और बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी।
तो अब ये था कि अब बस खाना खा के सो जाना है घर, मतलब जहाँ पर होटल लिया है वहीं पर चलेंगे, क्योंकि बादल भी काफ़ी आ गए थे ना। तो बस यहाँ से हम लोगों ने खाना आना खाया, और खाने में आप देख लो क्या क्या है। अभी तो सिर्फ पापड़ रखे हैं जो मैं खा रही थी धीरे धीरे, उसके बाद ये सब खाना आ गया। डिनर करने के बाद हम लोग अपने टेंट हाउस चले गए थे, वहाँ पर सो गए थे। और दूसरे दिन नेक्स्ट दिन हम लोग पीताम्बरी माँ जी के दर्शन करने आए, और इस जो है आज ही हम लोग को कानपुर भी निकलना था तो दर्शन करने आए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी काफ़ी भीड़ थी आप जैसे देख रहे हो, और ये पतिदेव जो है प्रसाद ले रहे हैं। और यहाँ पर जो है माँ के दर्शन जो है वैसे तो खुले रहते हैं, लेकिन माँ जब होता है ना शयन वाला टाइम दोपहर में, तो उस समय उस मंदिर के जहाँ पर माँ का मतलब है स्थापित है वहाँ पर लाइट बंद कर देते हैं। तो अब हम लोग ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी कुछ चलना पड़ा और दर्शन, लेकिन माँ के बहुत अच्छे हुए, लाइन लगी थी। यहाँ पर भी फ़ोटो तो देखो लेना मना ही था। तो हम चारों लोग जा रहे हैं, और ये आप जब भी आएँ तो ओरछा तो जो है राम मंदिर के और पीताम्बरी माँ के दर्शन करे बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। बाकी यहाँ पर तो वैसे घूमने को है काफ़ी कुछ, लेकिन ये दर्शन के लिए जो है बहुत ही मतलब ये शक्तिपीठ है, तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। और इसके बाद दर्शन करने के बाद फिर हम लोग जो है सेंचुरी देखने चले, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। पल्लवी ने नेट पे देखा था तो बोली यहाँ पर पास ही में है, तो हम लोग हम चले लोग हैं अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने आए हैं, और ओरछा के ओरछा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने आए हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, cooling, kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like. लेकिन सेंचुरी में कुछ भी खास नहीं था, कोई भी हम लोगों को जानवर नहीं दिखा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग, बाय, मिलती हूँ आपसे।